इस क्वेश्चन में बोला है इलेक्ट्रोलिसिस इज बीइंग कैरिड आउट और सॉल्यूशन में दो लोग हैं Bi3+ और Cu2+। क्वेश्चन बोल रहा है इनिशियली कॉपर 2+ और बिस्मथ 3+ का कंसंट्रेशन इक्वल है और दोनों इक्वल टू 1M है। दोनों का पोटेंशियल दिया हुआ है, रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, वो दोनों स्टैंडर्ड स्टेट में दिया हुआ है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि कॉपर 2+ का कंसंट्रेशन कितना होगा जब Bi3+ का रिडक्शन स्टार्ट होगा। पूछ रहा है व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर 2+ व्हेन बिस्मथ डिपोजिशन स्टार्ट। बोल रहा है बिस्मथ का डिपोजिशन जब शुरू होगा उस समय कॉपर 2+ का कंसंट्रेशन क्या है। तो देखो पहले देखते हैं कौन डिपॉजिट होगा। एक इलेक्ट्रॉन आया, उसने देखा दो लोग खड़े हैं बिस्मथ 3+ और कॉपर 2+। अब उसको डिसाइड करना है किसके पास जाएगा। देखो बिस्मथ के पास जाएगा तो वोल्टेज 0.226 मिलेगा। यही अगर कॉपर 2+ को इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो वोल्टेज 0.344 हो जाएगा। तो हम लोग को पता है रिड्यूस हो रहा है, तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल मैक्सिमम है पहले वो रिड्यूस होगा। तो हम लोग देख रहे हैं कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल स्टैंडर्ड स्टेट में ज़्यादा है तो पहले ये रिड्यूस होगा। तो देखो क्या है, रिड्यूस तो स्टार्टिंग में ये हो गया पर बाद में ही कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल डिक्रीज करेगा। क्यों करेगा? स्टार्टिंग में 0.344 है, ये E0 है, मीन्स ये वोल्टेज तब होगा जब Cu2+ 1M होगा। इनिशियल 1M है तो स्टार्टिंग में यही मिलेगा बट बाद में कम होगा। देखते क्यों क्या हो रहा है। E will be equal to E0 minus 0.059 by N into log of, यहां पर क्या this by this, ये तो सॉलिड है, इसका तो 1 हो गया एक्टिविटी, इसका हो जाएगा इनिशियल 1M, बट हमेशा तो 1M रहेगा नहीं, तो हम लोग लिखेंगे 1 by concentration of Cu2+। स्टार्टिंग में कॉपर डिपॉजिट हुआ तो ये कंज्यूम हुआ, ये कंज्यूम हो गया तो इनिशियल 1 था, धीरे धीरे ये डिक्रीज किया। सो दिस 1 by this विल इंक्रीज, मतलब ये लॉग का टर्म भी इंक्रीज करेगा, तो स्लोली दिस एंटायर टर्म विल इंक्रीज। तो धीरे धीरे नेगेटिव टर्म बड़ा होता जा रहा है तो वोल्टेज कम होता जाएगा। एक बार ऐसा होगा कि दिस वोल्टेज विल बी इक्वल टू दिस वोल्टेज, कम होते होते यहां तक पहुंच जाएगा। उस समय जब इसका वोल्टेज और इसका वोल्टेज इक्वल हो गया तो बिस्मथ भी प्रेसिपिटेट कर सकता है या डिपॉजिट हो सकता है। तो हम लोग को पता है जब इसका वोल्टेज इसका ई सेल 0.226 पहुंच जाएगा तब बिस्मथ भी स्टार्ट हो जाएगा डिपॉजिट होना। तो बोलेंगे दिस इज इक्वल टू 0.226 विल बी इक्वल टू 0.344 माइनस 0.059 बाय एन कितना कॉपर का 2 इंटू लॉग ऑफ 1 बाय Cu2+। उस समय कंसंट्रेशन जो रहेगा वो लिखना हो। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा देखते, इधर आ गया आपका, इसको इधर बुला लेते हैं तो 0.059 बाय 2 इंटू लॉग ऑफ 1 बाय Cu2+ विल बी इक्वल टू 0.344 माइनस 0.226। अब इसको हम लोग सबट्रैक्ट करके देखेंगे तो आएगा यहां से होगा ना यहां से होगा, देखते हैं ये आया 14 से 6 गया तो 8, ये आया 1, ये आया 1, तो आया 0.118। तो अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं यहां पर, तो
log of 1 by Cu2 plus will be equal to 0.118 by 0.059 into 2. इसको सॉल्व कीजिए, इसको और ये 2 से जाता है, ये 2 से चला गया, तो दिस इज इक्वल टू 4. तो log of 1 by Cu2 plus equals to 4 implies that 1 by Cu2 plus is equal to 10 raised to power 4. Implies that Cu2 plus equal to 10 raised to power minus 4. तो क्या देखा हम लोगों ने? When copper 2 plus is 10 raised to power minus 4, इसका भी potential 0.226 हो चुका है. तो means अब bismuth का precipitation start हो रहा है. So when copper is 10 raised to power minus 4, इसका standard नहीं, इसका EMF at other conditions will be equal to this. तो उस समय bismuth भी deposit होना start हो जाएगा.